बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग मिड टर्म के बाद का आज से शुरू कर रहे हैं कंटेंट। आज हम रिग्रेशन के बारे में थोड़ा सा मज़ीद पढ़ेंगे और इंशाल्लाह क्लोज कर देंगे उसको, और अगर उसके बाद टाइम हुआ तो फिर फैक्टर एनालिसिस को भी देखेंगे। तो ये रिग्रेशन और उससे पहले हमने जो भी फंडामेंटल्स पढ़ी एनालिसिस की, फिर क्वान्टिटेटिव एनालिसिस की, वो सारा प्री मिड टर्म कंसिडर होगा, एक्सेप्ट ये जो सिर्फ आज का सेशन हम करेंगे, ये आपके मिड टर्म में भी होगा, फाइनल एग्जाम में भी आएगा। और फिर इसके बाद हम क्वालिटेटिव एनालिसिस को पढ़ना शुरू करेंगे और इंशाल्लाह इट शुड टेक लाइक सिक्स, 5 to 6 क्लासेस। तो आखिर में फिर 1 से 2 क्लासेस हम रिविजन करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप लोग चूँकि पी एच डी स्टूडेंट्स हैं, तो आप अभी से यानी नाउ ऑनवर्ड्स आप आई एम नॉट श्योर कि आप लोग दोनों किस स्टेज पे हैं, वो मेरा तो मुझे पता है कि अभी सिर्फ टॉपिक को डेलिब्रेट कर रही हैं रिजवान, आई एम नॉट श्योर आप कहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप अगर इस कोर्स से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप चाहे जिस स्टेज पे भी है आपका टॉपिक, आप उसके बारे में टॉपिक वाइज, इस कोर्स के टॉपिक वाइज डिस्कशन करें, देखें कौन सा टॉपिक आपको किस तरह हेल्प कर सकता है। और रियल डेटा तो ज़ाहिर आप बाद में कलेक्ट करेंगे, लेकिन आप मेरी टैप को इस्तेमाल करें रैंडम डेटा जनरेट करने के लिए, उससे एक ज्यूम डेटा अपने पीएचडी के लिए बना लें, उसका एनालिसिस करें, ताकि जब एक्चुअली आप डेटा कलेक्ट करें और उस पर एनालिसिस करें तो आपको आसानी हो और ये टूल्स आपको आते हों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगले मिड टर्म के बाद के सेशन में अपने टॉपिक को भी, पीएचडी टॉपिक को भी फोकस करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग भी हो। और इसी चीज़ से मैं आपको, आप लोगों के जो प्रोजेक्ट के मार्क्स होते हैं आपके 20-30% फाइनल में प्रोजेक्ट के मार्क्स होते हैं, मैं इससे आपके वो मार्क्स सेस करूँगा कि आप अपने पीएचडी टॉपिक को किस तरह अगली 5-6 क्लासों में इन टॉपिक से रिलेट करते हैं जो हमने पहले पढ़े हैं और अभी पढ़ रहे हैं, और किस तरह किसी एक शेप में लेके आते हैं कि आप उससे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मेथड्स लर्न कर सकें, ताकि बाद में आपको आसानी हो जाए एक्चुअली पीएचडी रिसर्च कर रहे हैं। तो आई विल मूव ऑन और फिर स्टार्ट करते हैं रिग्रेशन का आखिरी सेशन।